मुकाबला आई जो है वो दोस्तों वर्ल्ड कप 2021 का इस वक्त जारी है, जहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच खेला जा रहा है। शुरुआती दो तीन ओवर्स के अंदर पाकिस्तान का पलड़ा बारी रहा, लेकिन इस पावर प्ले के आखिरी कुछ ओवर्स के अंदर इंडिया की टीम जो है वो दोस्तों यहां पर कह लीजिए कि बहुत ही उम्दा कम बैक कर रही है। यहां इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर जो है वो बढ़ते हुए 31 हो चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। विराट कोहली अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहां पर 16 गेंदों के ऊपर 15 रन बना रखे हैं। एंड सूर्या कुमार यादव जो है वो दोस्तों 11 के स्कोर पर मौजूद है, 6 गेंदों का कर रखा है उन्होंने सामना। हसन अली जो है वो अब तक कोई भी विकेट को अपने नाम नहीं किए हुए, जबकि अगर हम बात कर लेते हैं शाहीन आफरीदी ने, तो शाहीन आफरीदी ने आते ही 2 बेहतरीन यॉर्कर लगाए और यॉर्कर्स की वजह से उन्होंने जो है वो दोस्तों चलता किया यहां पर दोनों ही इंडियन ओपनर्स को, जिनमें नाम आता है केएल राहुल और नाम आता है दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा का। तो ये दोनों ही प्लेयर्स जो है वो अब आउट होकर चले गए हैं पवेलियन की तरफ वापस, जहां 6th ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है। ये अपडेट्स हैं दोस्तों जो हम आपके साथ लेकर आए हैं। अगर आपको हमें लाइव ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो के नीचे आइए और लाइव चैट के अंदर आपको जो लिंक मिलेगा वहां पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम लाइव कमेंट्री लेकर आए हैं आपके साथ। यहां इस वक्त इंडिया की टीम जो है वो दोस्तों आगे बढ़ रही है, अच्छे से आगे बढ़ रही है। हसन अली अपनी बॉलिंग करवा रहे और सामना कर रहे हैं दोस्तों सूर्या कुमार यादव और विराट कोहली जो है वो अपनी टीम को कह लीजिए कि यहां पर जबरदस्त अंदाज से आगे लेकर बढ़ने की कोशिश में है। और इसी वजह से इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान जो अब पार्टनरशिप लग चुकी है दोस्तों, वो भी 25 रन की लग चुकी है, अच्छी एस्टैब्लिश पार्टनरशिप को जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं ये दोनों ही बैट्समैन। इंडिया का रन रेट भले अभी आपको बताता चलो कि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये है कि जिस किस्म की क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है और अगर 150 रन जो बना लेते हैं तो फिर एक उम्दा मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान रहने वाला है। और यहां पर एक और विकेट गिरते हुए टीम इंडिया की, सूर्या कुमार यादव गेंद को ड्राइव करना चाहते थे कवर्स की तरफ, लेकिन यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छूने के बाद गई है विकेट कीपर के हाथों में। सूर्या कुमार यादव जो कि अच्छी फॉर्म में थे, उनकी एक प्राइज विकेट को कर लिया है टीम पाकिस्तान ने अपने नाम। पावर प्ले, ड्रीम पावर प्ले बनते हुए टीम पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर अब 31 के ही स्कोर के ऊपर टीम इंडिया एक और विकेट को लूज कर चुकी है। नो बॉल को चेक किया जा रहा है, तीनों दफा ऐसा हुआ है कि तीनों ही दफा नो बॉल को चेक किया गया है, क्योंकि एक बड़ा मैच है तो बड़े मैच के अंदर नो बॉल जो है वो दोस्तों यहां पर चेक की जा रही है लगातार के प्लेयर जो है वो ओवरस्टेप तो नहीं कर रहे। बरहल 31 है स्कोर टीम इंडिया का 3 के नुकसान पे। बहुत ही अच्छा स्टार्ट ये टीम पाकिस्तान का इस मैच के अंदर। टप्पा लिया गेंद ने, हल्की सी बाहर की तरफ निकली ये गेंद और आउटसाइड एज होने के बाद गई ये गेंद मोहम्मद रिजवान के हाथों में। खूबसूरत कैच मोहम्मद रिजवान की तरफ से, जहां पर उन्होंने इस गेंद को डाइव करते हुए हवा में उछलते हुए कैच किया और अपने फैंस को चीयर करने का दिया एक बहुत बड़ा मौका। लाइक तो बनता है दोस्तों इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए, जहां पर अब टीम इंडिया ने 3 विकेटों को लिया जो है वो दोस्तों लूज कर दिया है। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ये सारे के सारे प्लेयर जो है वो इसके बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए, जहां पर अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी जो है वो दोस्तों हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इंडियन टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स आज का ये वाला मुकाबला खेल रहे हैं। बरहल एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत ये टीम पाकिस्तान की, जहां पर आप देख सकते हैं टीम इंडिया के अंदर रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, केएल राहुल जो है वो दोस्तों आउट हो चुके हैं, विराट कोहली अभी खेल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव आउट हो चुके हैं, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या है दोस्तों, रविंद्र जडेजा है, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। तो बैटिंग लाइन जो है वो टीम इंडिया की काफी बढ़िया है। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा जो है वो दोस्तों डेंजरस बैट्समैन है जो कि अभी भी आएंगे। एंड बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो पाकिस्तान की टीम के अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ जो है वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा है गाइस इस मुकाबले के अंदर, जहां पर 31 स्कोर टीम इंडिया का 3 के नुकसान पे। 6th ओवर का खेल अभी जो है वो दोस्तों जारी है। ये अपडेट्स जो है वो आपके साथ हम लेकर आए हैं दोस्तों। अगर स्कोर कार्ड के ऊपर एक नजर दौड़ाई जाए तो स्कोर कार्ड की सिचुएशन कुछ यूं है कि केएल राहुल ने 3 रन बनाए हुए हैं, 8 गेंदों का सामना किया, रोहित शर्मा ने कोई रन नहीं बनाया गेंद का सामना करते हुए, विराट कोहली ने 16 रन बनाए हैं, 17 गेंदों का उनकी तरफ से सामना किया गया है, जबकि सूर्या कुमार यादव जो है वो दोस्तों अब तक 11 के स्कोर पर मौजूद है, 8 गेंदों का कर रखा है उन्होंने सामना, 1 चौका और 1 छक्का जो है वो उनकी तरफ से लगाया गया, वो आउट हो चुके हैं। और ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, ये सारे के सारे प्लेयर जो है वो अभी आएंगे बैटिंग करने के लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन आफरीदी ने 3 ओवर्स के अंदर 19 रन
देकर दो विकेट को अपने नाम किया। हिमाद वसीम ने दो ओवर्स के अंदर 10 रन दिए। हसन अली ने चार गेंदों के ऊपर अब तक एक रन देते हुए एक विकेट को किया है अपने नाम। तो दोस्तों यह मुकाबला जो है वो अब पाकिस्तान की टीम फिलहाल थोड़े से अंडर कंट्रोल में हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसी बीच एक और उमदा शॉट विराट कोहली के बल्ले से कवर्स की तरफ इस गेंद को निकाला दो फील्डर्स के बीचों बीच और एक और चौका। विराट कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं दोस्तों, और आज के इस मुकाबले के अंदर वो बताते हुए कि उनका टीम के अंदर रहना जो है वो इंतहाई जरूरी है। जहां पर अब 36 स्कोर 3 के नुकसान पे 6 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा। पावर प्ले के अंदर जो है वो दोस्तों 36 रन बने। पहली विकेट 1 के स्कोर पर रोहित शर्मा की सूरत में, दूसरी विकेट 6 के स्कोर पर केएल राहुल की सूरत में, और तीसरी विकेट इसी ओवर के अंदर सूर्या कुमार यादव की सूरत में जो है वो इस मैच के अंदर अभी अभी गिरी है दोस्तों। जहां पर 36 स्कोर फिलहाल टीम इंडिया का, क्या लगता है कि टीम इंडिया जो है वो इस मुकाबले के अंदर कितने रन को बना पाएगी? याद रहे आज पाकिस्तान की टीम ने टॉस को जीता, एंड पाकिस्तान की टीम ने टॉस को जीते हुए बॉलिंग करने का फैसला किया इस मैच के अंदर। जहां पर फिलहाल दोनों ही टीम्स की पोजीशन जो है वो बराबरी की चल रही है। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि कम से कम 150 रन बनाए। 150 रन भी इस विकेट के ऊपर एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा दोस्तों। हालांकि चेज करना इस विकेट के ऊपर इतना मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन याद रहे कि ये एक प्रेशर मैच है, और प्रेशर मैच के अंदर कोई भी टीम जो है वो इतने बढ़िया अंदाज से नहीं खेल पाती। तो इसी का ये नतीजा है कि अब तक टीम इंडिया ने 3 विकेटों को लूज किया हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी शाहीन आफरीदी और हसन अली की तरफ से हमें अब तक देखने को मिली है। तो दोस्तों ये मैच अभी जो है वो पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ते हुए एक दफा फिर आपको याद दिलाता चलूं कि अगर आप क्रिकेट टेल्स के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर यानी कि वीडियो के नीचे आपको जो है वो हमारी लाइव स्ट्रीम का लिंक मिलेगा, जहां पर इस वक्त हम लाइव कमेंट्री लेकर आपके साथ आए हुए हैं। तो वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ऋषभ पंत स्ट्राइक पर हैं और शादाब खान बॉलिंग के लिए आ चुके हैं दोस्तों। शादाब खान का रोल भी जो है वो आज एक अहम रोल रहने वाला है इस मैच के अंदर। विकेट विकेट करवाएगी गेंद को, फ्रंट फुट पर आकर बैट्समैन ने कर दिया डिफेंड, वापस बॉलर के पास एक और डॉट डिलीवरी डॉट के साथ अब स्कोर जो है वो दोस्तों रहेगा मुकाबले के अंदर 36-3 के नुकसान पे। ऋषभ पंत एक दफा फिर गेंद को फ्लिक करने की कोशिश में लेग साइड की तरफ, रहेंगे वो नाकाम एक और डॉट डिलीवरी डॉट के साथ अब मुकाबला जो है वो दोस्तों आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की टीम और इंडिया के दरमियान। जहां पर अब 6 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। क्रिकेट टेल्स के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हम जो है वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स को ही शेयर करेंगे, मेन मैच जो है वो हम लेकर नहीं आ पाएंगे। क्रिकेट टेल्स लाइव के ऊपर हम इस वक्त लाइव हैं। बैट्स पर आएगी गेंद, फाइनल की तरफ खेला है इस गेंद को, इमाद वसीम मौजूद है, रोकेंगे वो इस गेंद को। जहां पर अब 36 स्कोर 3 के नुकसान पे 6 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। तो दोस्तों मैच की बात की जाए तो इंडिया की टीम की कोशिश फिर से मैं आपको बताता चलूं कि 150 की रहेगी। पाकिस्तान की टीम की कोशिश होगी कि वो 150 से नीचे नीचे रोकें। ऋषभ पंत एक मेन प्लेयर रहने वाले हैं अपनी टीम के, जो कि मैच के पांचे को किसी भी वक्त बदल सकते हैं। उमदा शॉट उनके बल्ले से एक रन बनेगा, दूसरे के लिए वापिस आ जाएंगे ये दोनों बैट्समैन। और दो रन के साथ 38 स्कोर 3 के नुकसान पे 6 ओवर और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। सूर्या कुमार यादव और साथ साथ रोहित शर्मा, एंड अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों केएल राहुल की तो वो चल चुके हैं दोस्तों। शाहीन और जनरेटर, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये गलत बात नहीं होगी, आज अच्छा काम कर रहे हैं इस मैच के अंदर। जहां पर अब 38 स्कोर 3 के नुकसान पे अभी भी काबिलियत है, क्योंकि अभी भी जो है वो दोस्तों कप्तान है ऋषभ पंत है, साथ साथ हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये सारे के सारे डेंजरस प्लेयर हैं टीम इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान की टीम अगर अपनी यहां पर आपको बताता चलो कि इस चीज को हल्का लेगी तो फिर इनको थोड़ी सी दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। 7वें ओवर की आखिरी गेंद है, एक दफा फिर से हम अपडेट लेकर आपके साथ दोबारा से आ जाएंगे कुछ ही देर के बाद। क्रिकेटर्स के ही ऊपर 38 स्कोर 3 के नुकसान पे जहां पर अब 5.5 का रन रेट चल रहा है टीम इंडिया का। इस ओवर की आखिरी गेंद कदमों का सहारा लेकर फ्लिक किया है मिड विकेट की तरफ और अब 39 स्कोर 3 के नुकसान पे 7 ओवर्स का खेल अब हो चुका है पूरा टीम इंडिया की तरफ से।